हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यूपीएससी लॉ का कोई भी कोर्स करना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो, तो आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम रैंकिंग की बात कर लें तो यूपीएस की जो ओवरऑल रैंकिंग है तो यूपीएस 52nd नंबर पे आता है। अगर हम यूपीएस की अब सिर्फ लॉ कैटेगरी की बात करें तो यूपीएस 21st रैंक पे आता है लॉ कैटेगरी में। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको कोर्सेज ऑफर होते हैं। आपको एक LLB ऑफर होता है, एक BLLB ऑफर होता है, एक BBLLB ऑफर होता है और एक BCOM LLB कोर्स ऑफर होता है। तो इसकी अगर हम फीस की बात कर लें तो आपकी अप्रोक्सीमेटली आपकी बढ़ती है 20 to 22 lakhs आपकी 5 ईयर की, 10 सेमेस्टर होते हैं इसमें, तो टोटल आपकी इतनी बढ़ती है। प्लस आपको छोटे मोटे जो और खर्चे होते हैं वो आप ऐड करके चलना। और उसके बाद अगर बात करूँ कि अगर आपने सोच ही लिया कि आपको एडमिशन चाहिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे करवा सकते हो, मतलब बिना कोई एंट्रेंस टेस्ट दिए। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया फिर भी आपको एडमिशन चाहिए तो कैसे करवा सकते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। जैसे ही उस पर कॉल करोगे उनको आप कहना कि मेरे को ऐसे एडमिशन चाहिए, वो प्रॉपर पूरा प्रोसेस बता देंगे क्या क्या रहता है। या फिर अगर कॉल नहीं करना तो आप व्हाट्सएप ऐड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जैसे ही वो उनसे बात करोगे वो प्रॉपर आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे पूरा एडमिशन का पूरा प्रोसेस रहता है। या फिर अगर कॉलेज चैट नहीं कुछ नहीं करना तो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, जैसे ही आप फिल करोगे तो यूपीएस की टर्म से कनेक्ट कर लेगी और आपको पूरा समझा देगी। और अगर आपको जैसे टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप चैट पर आपको चैट नहीं करनी, या फिर अगर आपको गूगल फॉर्म नहीं भरना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में यूपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, जैसे ही उस लिंक क्लिक करोगे आपकी यूपीएस की वेबसाइट खुल जाएगी और आप फॉर्म भर सकते हो और एडमिशन करवा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं, हमने फीस की बात हो गई तो प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट थी लोगों के कोर्सेज की वो थी 16 LPA की, और अगर मैं करूँ एवरेज की बात तो थी अराउंड 5 LPA की। तो अगर प्लेसमेंट देखें, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो ठीक मिल रही है, लेकिन जो एवरेज प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट आपकी थोड़ी कम देखने को मिल रही है आपको कि हाँ, अगर एवरेज प्लेसमेंट 5 LPA लिखती है थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम हाइस्ट की देखें 16 LPA आपको एक अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है। और उसके बाद थोड़ी कैंपस की बात करें तो जो कैंपस का एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, तो कैंपस सराउंडेड है, पूरा माउंटेन से सराउंडेड है, व्यू अच्छा है कैंपस से और आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है। आपको जैसे अगर आप यूपीएस में आते हो तो आपको अच्छा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या आपको नया एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा, बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ अपना ओपिनियन तो आपके लिए वर्थ इट रहेगा। हालांकि प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम फैसिलिटीज़ भी देखें तो वो एक तरह से बैलेंस कर रही है आपकी जो फीस, अगर थोड़ी हाई है मान रहा हूँ, लेकिन जो फैसिलिटीज़ मिल रही है और प्लेसमेंट्स हैं वो बैलेंस कर रही हैं आपकी फ़ीस के साथ, और तो इसलिए आपके लिए वर्थ इट रहेगा। बाकी अगर आपको एडमिशन लेनी है आप प्रॉपर रिसर्च करना इंटरनेट पे और बाकी यूट्यूब वीडियोस भी देखना तो ही एडमिशन लेना। और अगर एडमिशन लेना चाहते हो विदाउट किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हो।